हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारे पुष्पवाट का गोंडा में आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक एशियाटिक लिली अथवा लिलियम बल्बिफेरियम के ऊपर है। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ऑरेंज लिली रखी हुई है और जाड़ों के मौसम में ये बहुत सुंदर खिलती है। बस और देखा जाए तो इसके बल्ब को आप बचा कर रखते हैं तो ये पूरे साल आपको फ्लावरिंग देती रहती है। केवल बरसात के मौसम में थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। इसके बल्ब की हम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, इसमें फिर से फ्लावर आएंगे। और एक एक पौधे में देखिए कितनी कलियां आ गई हैं। ये सब एक एक बल्ब इसमें पड़ा हुआ है और ये सब खिलियां जिस दिन खिलेंगी उस दिन इसका कलर पता चलेगा कि कितने रंगों का ये होता है। वास्तव में ये कई नामों से जाना जाता है, जिसे हम ऑरेंज लिली, फायर लिली, जिमीस ब्योन लिली तथा टाइगर लिली के नाम से भी हम जानते हैं। ये पौधा लिलियम बल्बिफेरियम के परिवार से आता है और इसका जो मेन लगाने का समय होता है वो नवंबर और दिसंबर महीने का होता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसके बल्ब कैसे होते हैं, इसके बल्ब की कौन सी सॉइल मीडिया में लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, किस तरह से इसका देखभाल किया जाए, ये सारी चीज़ें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये इसका बल्ब है, ये इसकी रूट्स हैं, ये देखिए ये। आज हम बहुत सारे बल्ब मेरे हाथों में ये हैं, देखिए आप, ये सब इसी के बल्ब हैं। देखिए, इन्हीं सारे बल्ब को आज हम लगाने वाले हैं। ये देखेंगे आप, ये इनके बल्ब हैं मेरे हाथों में। इन्हीं बल्ब को यदि आप बचा ले जाते हैं तो अगले सारे फ्लावरिंग करते हैं। बचाने के लिए इनको ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए। आप इसको इकट्ठा करके कोकोबीट में रख करके फ्रिज में भी डाल सकते हैं अथवा इसे उसी गमले में पड़ा रहने दीजिए जिस गमले में ये है, इसकी मिट्टी को मत हटाइए। इन्हीं बल्ब में से ये स्प्राउट का पोर्शन है, यहीं से ये डंडी बनती है जो सामने रखी हुई है। तो चलिए, देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से सॉइल मीडिया में लगाना चाहिए, पॉट कितना बड़ा होना चाहिए। ये जिस पॉट में लगा हुआ है, ये 5 इंच का पौधा है, ये 5 इंच का पॉट है, तो 5 इंच के पॉट में आप लगा सकते हैं। वैसे हम प्रेफर करेंगे कि आप इसको 8 इंच के पॉट में लगाइए। पॉट कैसा भी हो, प्लास्टिक का भी हो, मिट्टी का भी हो, जिस तरह का भी पॉट हो आप यूज़ कर सकते हैं। इस पौधे को बेल डेंस सॉइल मीडिया पसंद है और मॉइस्चर इस पर बना रहना चाहिए। पानी इसको ज़्यादा देंगे आप तो ये जो इसका बल्ब है ये सड़ जाएगा। बल्ब को आपको बचा के रखना है, इसलिए आपको जब इसकी सॉइल थोड़ा आपको ड्राई लगे तभी आप इसमें पानी दीजिए। जैसे ये देखिए, मेरा सॉइल ड्राई है पूरी तरीके से, अब इसमें आवश्यकता है कि हम पानी दें, लेकिन अभी मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें पानी नहीं दिया है। जब ऐसी कंडीशन आपके सॉइल की हो जाए तब आप इसमें पानी डालिए। इस कंडीशन में नहीं, ये कंडीशन ख़राब है, इसमें हम हाथ डालेंगे तो ये अभी गीला है, मॉइस्चर बना हुआ है, इसलिए इसमें पानी अभी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम हम इसमें 1 हफ्ते पानी नहीं डालेंगे। अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी सॉइल मीडिया में इस बल्ब को लगाना चाहिए, जिसे हम एशियाटिक लिली अथवा लिलियम बल्बिफेरियम के नाम से जानते हैं। ये मेरे हाथ में कोकोपीट है, ये कोकोपीट आपका 25% रहेगा। फिर इसके बाद आता है वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट आपका 25% रहेगा और 50% इसमें हम गार्डन सॉइल इस्तेमाल करेंगे। ये गार्डन सॉइल 50% हम इस्तेमाल करेंगे। गोल्डन सॉइल को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लीजिए। अब हम इसको मिला के आपको दिखाते हैं। 50% गार्डन सॉइल हम लेंगे, इसको हम हटाएंगे यहाँ से जो भी चीज़ें हैं इसमें ख़राब। आप देखते जाइए, बस बहुत आराम आराम से आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको हाथों से फोड़ दीजिए जो भी इसमें ऐसा चीज़ आपको मिले तब। तो मिट्टी ही तो पौधों की जान होती है, इसलिए मिट्टी को बहुत साफ़ सुथरा रखिए आप। अब इसमें हम डालेंगे 25%
कोकोपीट। कोकोपीट पौधे में बराबर मॉइस्चर बनाए रखता है। ये बहुत अच्छा सोर्स है कि पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और ये स्पंजी होता है, इसलिए पौधे में बराबर मॉइस्चर बनाए रखता है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे, ये बहुत अच्छा रिच सोर्स है सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का, तो हम 25% ये डालेंगे इसमें, 25% ये हमारा पड़ गया। अब इसको हम मिला लेंगे। अब हमारी मीडिया पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही गमला लेना है और पॉट के छेदों को हमें बंद करना है। तो इसके लिए हम छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, ये पत्थर वाले कोयले के टुकड़े, इसके चारों ओर हम बिछा देंगे। इससे जो पानी होगा वो बेल ड्रेन होकर निकल जाएगा। ये देखिए, कोई खपटा रखने के बजाय, कोई क्ले पॉट के टुकड़े रखने के बजाय, हम ये पत्थर के कोयले इसमें रख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मीडिया को डाल करके आधा गमला हम भर देंगे। आधे से ऊपर गमला हमने भर दिया, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इसमें से हम एक बल्ब को लेंगे। यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये स्प्राउट का हिस्सा है, देख लीजिए, यहीं से पेड़ आगे बढ़ेगा। तो इसको हम ऊपर रखेंगे और इस चीज़ को हम नीचे रखेंगे, ये देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लगाते समय गड़बड़ करेंगे। और इसको इसलिए ज़रूरी है रखना क्योंकि इससे इस तरह से जो जड़ें हैं फैलेंगे इसमें। तो इसको हम इसको नीचे रखेंगे और स्पॉट एरिया को ऊपर रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, स्पॉट एरिया मिट्टी में दबना नहीं चाहिए, ये ऊपर ही रहना चाहिए। इसके चारों ओर हम मिट्टी डालेंगे लेकिन इस एरिया को हम ऊपर रखेंगे। अभी दिखा रहे हैं डाल करके। ये देखिए, ये नोट एरिया जो स्पाउट एरिया है जहाँ से फ्लावरिंग होनी है, उसको हमने ऊपर की ओर रखा है। ऐसे आपको रखना है। अब इसमें फर्टिलाइज़र कौन कौन से ऐड करने हैं आपको बताने के लिए मैं बता दूं कि अभी फर्टिलाइज़र हम जो बता रहे हैं वही फर्टिलाइज़र दीजिएगा, लेकिन कम से कम इसको लगाने के एक हफ्ते बाद। इसमें हम फर्टिलाइज़र के रूप में तीन चीज़ों का प्रयोग करने वाले हैं, जैसे यह है बोन मील, यह फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, यह है पोटास, इसमें पोटास डालेंगे हम आधा चम्मच, और ये सिंगल सुपर फास्फेट SSP आधा चम्मच इसको हम डालेंगे। तो अभी हम आपको हाथों से बताते हैं, कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, लगभग आधा चम्मच आप ले लीजिए, इसके चारों ओर ऐसे आप भुरभुरा कर दीजिए। बोन मील भी ले लीजिए ऐसे ही, ढक्कन में हम निकाल लेते हैं, इसको नीचे रखते हैं। और ये मेजरमेंट के लिए आप यही चीज़ों का प्रयोग कीजिए। ये देख लीजिए आप, ये आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं है, ये डाल देंगे। और ये पोटाश डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच पोटाश ही इसमें डालेंगे, देखिएगा। ये देखिए, आधा चम्मच एक चुटकी मैंने पोटाश लिया है, चारों तरफ मैं इसको भुरभुरा दूंगा, थोड़ा सा इसको और डाल दूंगा, आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे डालना है आपको, देख लीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, अब पहली बार में हमें पानी इसको पूरा दे देना है। इतना पानी दे दीजिए कि गमले के नीचे से ये पानी निकल जाए। इसके बाद जब आप पानी देंगे, तब आपको पानी का मॉइस्चर चेक करके आपको पानी देना है। यदि आपका गमला गीला है तब आप पानी नहीं देंगे। मैंने आपको बताया, यदि आप पानी बराबर देते रहेंगे तो आपका पौधा या आपका जो बल्ब है वो सड़ जाएगा, फिर उसमें से फ्लावर इस तरह से नहीं आएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें ये बड़े बड़े जो बल्ब बनते हैं ये नहीं बनेंगे। तो अब इसमें हम पानी डालते हैं।
पहली बार में हमें पानी इतना डालना है, हज़ारे का प्रयोग कीजिए। कभी कभी मैं मग का भी प्रयोग करता हूँ, लेकिन आज मैं हज़ारे से पानी डाल ले रहा हूँ। इसमें इतना पानी डाल दीजिए कि नीचे से पानी निकल जाए पहली बार में। अभी ये तो तुरंत ऑब्जर्व कर लेगा धीरे धीरे, और पानी फिर नीचे निकल जाएगा। इस तरह से जब आप लगाएंगे इसको, तो ये पौधा आपको अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, सनलाइट की बात हम कर लें, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। इसलिए आप ऐसी जगह पर इसको रखिए जहाँ पे छन छन के धूप आती हो, हल्की धूप आती हो, अर्थात सेमी शेड एरिया हो। जब सेमी शेड एरिया होगा तो ये पौधा आपका खूब फ्लावरिंग करेगा। ये कोई ठंडक का तो पौधा है ही है, लेकिन मैंने देखा है अपने यहाँ कि इसको मैं जुलाई अगस्त सितंबर तक भी मेरे में फूल आते रहते हैं। तो अगर आप इस पौधे को लगाएंगे तो इस तरह से आपको पूरी देखभाल करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। ये फर्टिलाइज़र आपको कम से कम 20 दिन के बाद फिर से रिपीट करना पड़ेगा। आपको 20 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र को फिर से डालिए। ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद पौधा नहीं है। आधा आधा चम्मच सिंगल सुपर फास्फेट, आधा चम्मच बोन मील और आधा चम्मच पोटास आप डालिए। अब ये देखिए पूरा पानी सूख गया है और ये नीचे से भी पानी निकल आया है। अब यहाँ तक की मिट्टी खाली हो गई है, लेकिन आपको अब इसमें मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पौधा इस तरह से हो जाएगा तब इसमें आप एक डंडी का सपोर्ट कर दीजिएगा ताकि ये पौधा रुका रहे। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो, आपको मेरी लगाने की भी समझाने की भी पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी बराबर पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।